जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। बात करने वाले हम लोग यहाँ पर सरस्वती साड़ी के बारे में। ये सर अभी किस तरीके से आगे कामकाज कर सकते हैं हम लोग, सबसे पहले वन डे के टाइम फ्रेम में देख लेंगे। मार्केट में देखोगे 215 यहाँ पे हाई लगाने के बाद ये सर इतना नीचे मतलब गिर चुका है। अभी देखोगे एकदम आईपीओ प्राइस से भी नीचे गिर चुका है। आपको मैंने यहाँ पे बताया भी था पहले वीडियो, देखो आपको आईपीओ प्राइस आ गया, जा करके चेकआउट कर लो ठीक है। यहाँ पे तो मैंने आपको यहाँ पे चीज़ें क्या बताई है कि भाई आईपीओ प्राइस से भी नीचे गिर गया तो यहाँ पे ज़्यादा करेक्शन आएगा, तो अभी यहाँ पे S1 के लेवल तक आ सकता है। यहाँ पे देखोगे 140 के 138 तक आ सकता है ठीक है। तो ये लेवल अभी तक आया नहीं है मार्केट में, बट अपने को क्या करना है, इसके पहले ही अपने को देखना है यहाँ पे S1 लिखा है, S2 लिखा है, S3 लिखा हुआ है। तो मैंने आपको बताया भाई यहाँ पे हम लोग एवरेज करेंगे ठीक है। तो आपको मैंने क्या बताया हुआ है, तो जो लोग यहाँ पे भी डर रहे, जिनको डर लग रहा है कि सर यहाँ पे फिर से देखो प्राइस आ चुका है 151 के, मतलब यहाँ पे बॉटम में आ चुका है, तो हम लोग इसको क्या करें, सेल कर दे क्या सर फिर बाद में बाई करें। तो देखो भाई कोई भी शेयर आपको मौका नहीं देगा कभी, अगर ऊपर जाएगा ना तो आपको मौका नहीं मिलेगा बाई करने को। बट अगर आपके पास अगर ये शेयर पड़ा हुआ है, अगर वो अपर सर्किट भी मार रहा अच्छा खासा 10%, 20%, 30%, तो वो आपके पैसे यहाँ पे गेन होने वाले। अपने को यहाँ पे एक सिस्टम से काम करना है कि अगर शेयर यहाँ से नीचे भी गिरता है तो मेरे को जैसे ही करेक्शन के बाद प्रॉफिट आएगा तो मैं यहाँ पे बुक करूंगा, जैसे करेक्शन के बाद अगर मार्केट में उससे ऊपर जाएगा तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक करूंगा। तो ये आपको यहाँ पे चीजें करनी है, तो वही आपको हम बताने की कोशिश करने वाला हूँ। तो वीडियो आपको यहाँ पे लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि आपको भाई देखो लॉस है, रिकवर हो जाएगा पूरा का पूरा, अब उसका टेंशन मत लो, क्योंकि भाई हम लोग ने यहाँ पे शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए सोचा हुआ है। और आपने जैसे यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे शेयर को कोई भी शेयर को अपने यहाँ पे सोच लिया, उस शेयर में आपको यहाँ पे लॉस होना वो इम्पॉसिबल है भाई। तो आपको बता दो जैसा भी कामकाज कर रहा है यहाँ पे एक बॉटम बना रहा है, तो अपने को कामकाज किस तरीके से करना है आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे मार्केट में देखो पी लिखा होता है, यहाँ पे देखोगे हाई इसको टच करने के बाद 175 को यहाँ पे टच करने के बाद ये शेयर में गिरावट फिर से देखने की, तो मार्केट फिर से देखो इस जोन पर काम कर सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको बाइंग करनी एक बार फिर से यहाँ पे 150 के लेवल पे, 150 पे फिर से यहाँ पे बाइंग करनी है। सेकेंड जो बाइंग आएगी 145, और तीसरे हम लोग जो बाइंग करने वाले यहाँ पे देखोगे नीचे की तरफ 138 to 135। अब इसमें टारगेट कैसे बुक करेंगे, अब आपको एक चीज़ करनी है, अगर आपके पास 100 क्वांटिटी है, हम लोग इसमें काम किस तरीके से करेंगे, 20 क्वांटिटी हम लोग यहाँ पे एग्जिट करते हुए चलेंगे। जैसे अगर करेक्शन का टाइम पर अगर ये सर और भी यहाँ पे गिरता है 145, तो मैं यहाँ पे एग्जिट करूँगा 159 के करीब, 20 क्वांटिटी मैं यहाँ पे एग्जिट करूँगा। और ये सर यहाँ पे आने के बाद पी को टच करने के बाद फिर से यहाँ पे गिर गया 136 पे, मैं क्या करूँगा यहाँ पे फिर से जो मैंने 100 क्वांटिटी थी ना यहाँ पे 20 क्वांटिटी में यहाँ पे फिर से बाई करूँगा, जो मैंने यहाँ पे सेल कर दी थी इसको मैं फिर से यहाँ पे बाई करूँगा। मैं यहाँ पे आप देखना 145 पे मैं यहाँ पे बाई कर चुका, तो मैं यहाँ पे 10% का प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ एक बार ठीक है। इसको ध्यान रखना आप, मैंने यहाँ पे लिया था, यहाँ पे सेल कर दिया था, तो मैंने यहाँ पे लिया, यहाँ पे सेल कर दिया, उसके बाद मैंने फिर से यहाँ पे बाई किया 138, और जैसे ये सर यहाँ पहुँचा मेरे को यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है, मेरा 10% यहीं पे आ जाएगा 159 सॉरी हाँ मेरा 10% यहीं पे आ जाएगा 150 के करीब। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे 40 क्वांटिटी एग्जिट करूँगा, 40 क्वांटिटी, 20 तो मैंने यहाँ पे जो बाई किया था वो तो है ही, उसको मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। अब उसके बाद मैं यहाँ पे 40 क्वांटिटी एग्जिट करूँगा, जो मेरे को यहाँ पे एक 5% का टारगेट दे करके जाएगा, और दूसरा मेरे को यहाँ पे 10% का टारगेट दे करके जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको मैं डीपली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी भी शेयर से आप यहाँ पे लॉस रिकवर कर सकते हो एकदम से, पूरा का पूरा आपको लॉस रिकवर हो जाएगा अगर इस तरीके से साइडवेज भी रहेगा तो। आप देखिए मैंने आपको पहले 20 क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट करवाया, उसमें 10% का प्रॉफिट बुक करवाया ठीक है। अब फिर से मैंने आपको यही 20 क्वांटिटी आपको फिर से मैंने यहाँ बाई करवा दी, S2 पे बाई करवा दी। आपने पहले यहाँ पे बाई किया था जिसको मैंने आपको यहाँ पे एग्जिट करवा दिया था, अब मैंने फिर से आपको यहाँ पे बाई करवा दिया, आपने 10% का प्रॉफिट बुक कर चुके हो ठीक है। इसका लॉस आपको तभी लगेगा जब ये और नीचे जाएगा, यहाँ तक जाएगा, बट यहाँ तक गया नहीं है, फिर से करेक्शन के बाद उछाल आया, तो आपने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया 160 के लिए, वापस यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया है 150 करो या फिर 160 करो, कहीं पे प्रॉफिट बुक करो। तो यहाँ पे आपने फिर से 20 की जगह 40 क्वांटिटी एग्जिट कर दी है, अब आपने इसमें से फिर से 10% कमा लिया, तो भाई आपने जो आपकी 20 क्वांटिटी थी ना उसमें से आपने यहाँ पे 20% का रिटर्न कमा लिया है। अब आप यहाँ पे देखोगे आपका जो थोड़ा बहुत लॉस होगा यहाँ पे देखो, समझ लो 1000 रुपये का भी प्रॉफिट होगा आपका यहाँ पे, समझ लो इसके बीच में। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, फिर 1000 रुपये का प्रॉफिट होने के बाद अब आपको एक चीज़ करनी है कि भाई और जैसे करेक्शन आता ना यहाँ पे अब आपको बाई करना है 40 क्वांटिटी, अब आपको यहाँ पे बाई करना है 40 क्वांटिटी, और जैसे ये सिर्फ उछाल आएगा आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना है। अब आप यहाँ पे एग्जिट करोगे 60 क्वांटिटी, अब आपको मैंने यहाँ पे 60 क्वांटिटी क्यों एग्जिट करवाई है, क्योंकि आपका यहाँ पे डर निकल जाए। अब बोलता है आपके पास जितने शेयर पड़े रहेंगे तो आपको उसमें ज़्यादा डर लगेगा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लॉस दिख रहा होगा ठीक है, और यहाँ क्वांटिटी कम होगी तो आपको पता है कि लॉस कम दिखेगा, लॉस कम दिखेगा तो आपको डर कम लगेगा। तो यही चीज़ है भाई, आपको डर कम लगेगा तो आप यहाँ पे क्या करोगे, धीमे धीमे एकदम से शांति से काम करोगे। और ये सर जैसे अभी 160 पे आ गया ठीक है, तो आप यहाँ पे भी जाने का वेट कर सकते हो, 210 का भी जाने का वेट कर सकते हो। तो आपके पास जो मेन क्वांटिटी आपने ली है ना पहले, समझ लो यहाँ पे 50 क्वांटिटी ली है, इसको मेन रखे रहो आप यहाँ पे, इसको मत बेचो, कोई दिक्कत नहीं इसको यहाँ पे,
कितना है यहाँ पे, समझ लो 100 की प्राइस पे भी चला जाएगा, इसको मत बेचना आप यहाँ पे। बट इसके बीच में एकदम यहाँ पे डीप करेक्शन पे बाई करो, 10% पे सेल करो, फिर से नीचे गिरा फिर से बाई करो, फिर से ऊपर आया तो फिर से सेल करो। अब इसको मैं पूरा क्लियर करके एक लेवल बता देता हूँ, जिससे आपको यहाँ पे आइडिया मिल जाएगा कि आपको बाई कहाँ करना है और सेल कहाँ पे करना है, ठीक है। अब यहाँ पे नोटिस करना, आपको मैं बता क्या रहा हूँ, जिसको समझ में नहीं है अभी यहाँ पे नोटिस करना। जैसे सर यहाँ पे गया है R1 में, मैं यहाँ पे समझ लो मैंने 40 क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट कर ली, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से करेक्शन आ गया, मैं S1 पे फिर से बाई कर लूँगा 40 क्वांटिटी, और यहाँ पे जैसे करेक्शन के बाद उछाल आएगा मैं 10% यहाँ पे फिर से प्रॉफिट बुक कर लूँगा, ठीक है। और जैसे नीचे गया 40 क्वांटिटी मैंने यहाँ पे जो एग्जिट की थी उसको मैं यहाँ पे वापस ऐड कर दूंगा, यहाँ पे मैंने वापस ऐड कर दी। अब यहाँ पे फिर से आएगा, मैं यहाँ पे टारगेट बुक करके फिर से यहाँ पे एग्जिट करूंगा, फिर से या 40 क्वांटिटी मैं यहाँ पे फिर से बाई करूंगा, 122 के करीब यहाँ पे फिर से बाई करूंगा और फिर से मैं यहाँ पे टारगेट बुक करूंगा। और जैसे फिर से नीचे गिरेगा मैं यहाँ पे फिर से बाई करूंगा और यहाँ पे टारगेट बुक करूंगा। आप यहाँ पे देखोगे हर एक डीप करेक्शन में आपको यहाँ पे 10% का प्रॉफिट, 10% का प्रॉफिट, 10% का प्रॉफिट। अब ये 30% 40% का प्रॉफिट आपने यहाँ पे नीचे ही कमा लिया, भले ना यहाँ पे छोटी क्वांटिटी होगी बट यहाँ पे आपका जो लॉस था ना वो यहाँ पे आपको रिकवर होता हुआ नजर आ जाएगा पूरा का पूरा। अब इसके लेवल आप यहाँ पे लिख लीजिए फटाफट से, वीडियो लॉन्ग हो जाएगी नहीं तो, जल्दी से आप यहाँ पे लेवल लिख लीजिए। लेवल आ जाएंगे जैसे मार्केट में करेक्शन आएगा, आपका पहला सपोर्ट मिलेगा 145, तो आपको एवरेज करना है 145 का। सेकंड आपको एवरेज करना है 136 का। तीसरा आपको यहाँ पे एवरेज मिल जाएगा 122 और चौथा अपने यहाँ पे जो एवरेज मिल जाएगा 107, ठीक है। इस पॉइंट पे आपको यहाँ पे एवरेज करते जाना। आपको जो टारगेट बुक करना है, आपको पहला टारगेट जो बुक करना है यहाँ पे मिल जाएगा 168, सेकंड जो टारगेट मिल जाएगा आपका यहाँ पे 183, तीसरा जो टारगेट मिल जाएगा आपको यहाँ पे 192 और चौथा हम लोग यहाँ पे जो टारगेट बुक करने वाले हैं 200 के पास, ठीक है। आपको इस तरीके से यहाँ पर टारगेट बुक करते चलना है। बाकी मैंने आपको यहाँ पे सारे पॉइंट क्लियर कर दिया। रिजल्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे देखोगे 23 का प्रॉफिट था नेट प्रॉफिट 2023 में, जो बढ़ करके यहाँ पे 30 का हुआ है। ये सारे मैंने यहाँ पे पॉइंट समझाए हुआ, IPO प्राइस आ गया यहाँ पे देखो, वीडियोस मिल जाएगी आपको यहाँ पे जाकर के चेकआउट कर लेना, ठीक है। इस तरीके से एनालिसिस आपको मिल जाएगी, पूरी फंडामेंटल मिल जाएगी और कंपनी के यहाँ पे पूरे रिजल्ट मिल जाएंगे, तो जाकर के चेकआउट कर लीजिए। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और थोड़ी सी भी जानकारी अगर मिली हो तो यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे यहाँ पर जानकारी आपको यहाँ पर आगे मिलती रहेंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।